हेलो दोस्तों, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है बहुत सारा खाना, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। आज मैंने बनाई है दाल पूड़ी, आलू की सब्जी, मैदा की सेवइयाँ बनाई हैं दूध वाली, और आधी वीडियो लाइट चली गई थी, आधा वीडियो बना पाई थी, आधे में लाइट चली गई थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चना की दाल लेंगे, उसे भिगो देंगे चना की दाल को। तब तक हमारी चना की दाल फूलेगी तब तक हम सब्जी बना करके आलू की तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जो दाल पूड़ी बनाएंगे उसके लिए मसाला भून करके रख देंगे। हमने लिया है लौंग, काली मिर्च, जीरा। इस मसाला अगर हम भून करके बनाएंगे ऐसे तो बहुत टेस्टी बनती है। सौंफ डालेंगे एक चम्मच, दो लाल मिर्च, खड़ी धनिया एक चम्मच, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन लिया है, एक चम्मच मीठी नीम डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे पीसेंगे। इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे, या फिर आप खल्ला मूसर से कूट लें, या फिर मिक्सी के जार में डाल करके इसे थोड़ा मोटा सा पीस लें। वीडियो बनाने में प्लीज़ बहुत मेहनत पड़ती है, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अब हमारा मसाला पीस करके रख दिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक, इसे भी ग्रेट कर लेंगे। मुझे याद नहीं था लहसुन डालना भूल गई थी, मैं ये सब्जी के लिए मसाला बना रही हूँ तो लहसुन अब हम बाद में डालेंगे, इसे भी ग्रेट करेंगे। अब हम बनाएंगे सब्जी। सबसे पहले सब्जी बनाएंगे। सब्जी के लिए हमने लिया है दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, प्याज। प्याज को हमने ऐसे बड़े साइज में काट लिया है। आज हम जो सब्जी बना रहे हैं आलू की, उसे हम कुकर में ही बनाएंगे। कुकर में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को कूट करके, सॉरी ग्रेट करके रखा था, उसे डालेंगे। और डालेंगे दो टमाटर लिए हमने, उसे भी बारीक कट के डाल देंगे। इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। इसे भी 2-3 मिनट तक मसाला को भी अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला पक जाएगा उसके बाद इसमें 1 कप पानी डालेंगे और 2-3 सीटी लगा देंगे ढक्कन बंद करके। अब एक साइड आलू फ्राई कर लेंगे। जो आलू हमने उबाल करके रखे हैं उन्हें फ्राई करेंगे तेल में डाल करके। ये सब्जी दाल पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो हमारा मसाला था वो अच्छे से पक गया है। हमने 2 सीटी लगा दी थी, गैस को बंद कर दिया था। अब इसे अच्छे से मैश करेंगे। जब मसाला मैश हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे आलू और गैस को हम तेज कर देंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया। इसे भी 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। जब 4-5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आज पूड़ी के साथ या चावल के साथ परोसिए, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे दाल पूड़ी। चना दाल भी भीग गई है, 1 घंटा पहले भिगो दिया था जब तक हमारी सब्जी बन रही थी। यहाँ पर लाइट चली गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी जिस दिन वीडियो बनाया था, कल बनाया था शाम के, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब हम चना की दाल को उबालेंगे। चना की दाल को उबालने से पहले उसमें डालेंगे नमक, हल्दी, 2-3 बूंद तेल की डाल देंगे। इससे दाल का पानी ऊपर नहीं आता है। जब तक हमारी दाल उबल रही है तब तक हम दाल पूड़ी के लिए आटा लगाएंगे। आटा के लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथेंगे। इसका हमें एक सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार करना है। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट गूंथेंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग वाला अगर कोई भी पराठे पूरी बनाए तो आप आटा को बहुत सॉफ्ट गूंथें। इसे रख देंगे कुछ देर के लिए ढक करके। अब जो हमने दाल उबालने के लिए रखा उसके लिए मसाला बनाएंगे। हमने लिया है हरी मिर्ची, अदरक, इसे हम कूट लेंगे। इसे कूट करके 1 कटोरी में निकाल लेंगे।
अब दाल भी हमारी उबल गई है, हमने 3-4 सीटी लगा दी थी। देखो अच्छे से दाल उबल गई है, बिल्कुल भी पानी ऊपर नहीं आया है। अब एक कढ़ाई रखेंगे और लेंगे जाली वाली कोई भी बर्तन हो छन्ने, उससे आप दाल का पानी अलग कर देंगे। उस पानी को आप ग्रेवी में या ऐसे ही सूप बना करके पी लें। एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, हींग, जो हमने हरी मिर्ची अदरक कूट करके रखा है उसे डाल लेंगे। ऐसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब हरी मिर्ची अदरक फ्राई हो जाएगा उसके बाद डाल देंगे दाल, चना की दाल जो उबाल करके हमने रखी है, इसका पूरा पानी निकल गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, नमक डालेंगे, धनिया, हल्दी, जो मसाला हमने सबसे पहले भूंज करके रखा था उसे कूटा था खल्ला मूसर में, उसे भी 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मस लेंगे। जो आज हम दाल की स्टफिंग बना रहे हैं इसे आप फ्रिज में हफ्ता भर रख सकते हैं। जब आपका दाल पूरी खाने का मन हो तब बना लीजिए निकाल करके। ये जो स्टफिंग है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और इसे हम सूखा होने तक पकाएंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब स्टफिंग ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम दाल पूरी बनाएंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है, आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम बनाएंगे दाल पूरी। 1 बड़ी लोई लेंगे और कटोरी की तरह बना लेंगे उसे। सूखा आटा लगा करके बनाएंगे। उसके बाद जो दाल की स्टफिंग है उसे 2-2 चम्मच भरती जाएंगी। इसे अच्छे से हमें सील करना है, नहीं अगर कहीं से भी खुल जाएगी तो पूरी दाल तेल में ही निकल जाएगी। आज हम 2 तरह से बनाएंगे दाल पूरी, जैसे मेरे घर में हमेशा बनती है। अगर आपको तेल खाना मना है तो आप इसे रोटी की तरह भी सेंक सकती हैं, ये बहुत टेस्टी बनती है। एक बार तो इसे आप जरूर ट्राई करना। अब सूखा आटा लगा करके इसे हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे जिससे दाल पूरी जो लोई है हमारी उसमें फैल जाए। कल मुझे 10 बज गए थे, 2 बजे से वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मैंने लाइट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, लाइट नहीं आई थी तो मैंने मोबाइल का ही टॉर्च जला करके वीडियो बनाया था। ऐसे हम पूरी पूड़ियाँ बेल करके रख लेंगे। बहुत हल्के हाथ से बेलना है, आटा को बहुत सॉफ्ट लगाना है जिससे आराम से बेल जाए। अब हम तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद पूड़ियाँ तलेंगे। इसे आप पराठा की तरह भी सेंक सकते हैं, पूड़ी की तरह, रोटी की तरह, जैसे आपको पसंद हो। अगर आपको तेल खाना मना है तो आप इसे रोटी की तरह भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और घी लगा करके आलू की सब्ज़ी में इसे परोसिए। देखो हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल खुल नहीं रही हैं और कितने अच्छे से फूल रही हैं सभी पूड़ियाँ। हमने अभी 4 पूड़ी ही सेकी हैं तेल में। अब इन्हें हम रोटी की तरह बनाएंगे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें रोटी की तरह ही इसे दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है। उन्हें भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ उनके लिए। ऐसी पूरी रोटियां सेक करके रख लेंगे और इसमें लगाएंगे घी। जब रोटी गर्म होगी तभी घी लगा करके रख देंगे। इसे आलू की सब्ज़ी के साथ परोसिए, गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो बनाने में बहुत मैं परेशान हुई थी, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी आलू की सब्ज़ी, दाल पूड़ी, साथ ही बनाई है हमने खीर।